ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने तय कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी में गांधी परिवार से आगे सोचना ही नहीं है। सबको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं। ऐसे में नेता विपक्ष होने के नाते जो डिनर पार्टी है उसका नौता अधीर रंजन चौधरी को भी मिला है, जो कि कांग्रेस के सांसद है पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा और भी कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनको न्योता मिला है और भी विपक्ष पार्टियों के नेता है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है वो इस डिनर को बॉयकॉट करेंगे। अब उन्होंने जो बहाना बनाया है दरअसल में असली वजह वो नहीं है बल्कि असली वजह दूसरी है, जिसको सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। दरअसल में अधीर रंजन चौधरी ने बहाना तो ये बनाया है कि इस विजिट का कोई फ़ायदा नहीं है, ये विजिट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका चुनाव का प्रमोशन है, अमेरिका चुनाव प्रचार है जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को रिझाने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं और हमारी सरकार पागलों की तरह उन पर पैसा खर्च कर रही है। जबकि हकीकत ये है जिस वजह से अधीर रंजन चौधरी नहीं जा रहे कि सोनिया गांधी को इन्विटेशन नहीं मिला है और अधीर रंजन चौधरी सोनिया गांधी के इन्विटेशन के बिना नहीं जाना चाहते। मतलब कांग्रेस का जो नेता विपक्ष है उसका साफ साफ कहना है कि नेता विपक्ष मैं तो सिर्फ नाम का हूँ, मेरे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन असली नेता विपक्ष तो हमारी मैडम सोनिया गांधी ही हैं। अब इस तरह की बातें जब आती हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का क्रिटिसिज्म भी होता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी एक परिवार की गुलाम बन के कैसे रह सकती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी पहचान है और वो गांधी परिवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की पहचान ये है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की पहचान ये है कि इसने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। जितने भी कंट्रोल्ड एजिटेशन होते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जितने भी कंट्रोल्ड आंदोलन होते थे वो सभी कांग्रेस पार्टी ही लीड करती थी, लेकिन इसके बावजूद आज एक परिवार की जिस तरह से गुलाम बन गई है कांग्रेस पार्टी देखकर दुख होता है। और जिस तरह से नेता विपक्ष कह रहे हैं कि भैया हम अमेरिका के राष्ट्रपति का बायकॉट करेंगे समझ के बाहर है, क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कांग्रेस के राज में आते तो वो भी इसी तरह से पैसा बर्बाद करते या फिर यूँ कह लीजिए उनके स्वागत में पैसा लगाते। क्योंकि जब भी कोई अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आता है चाहे सरकार किसी की भी हो स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि कोशिश रहती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति रीत जाए, कुछ खुश हो जाए और भारत के साथ कोई ट्रेड डील हो जाए, और ऐसा हमेशा से होता आया है। लेकिन जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी इस डिनर का ही बायकॉट कर रहे हैं ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है। अब देखने वाली बात होगी और बड़े नेता जिनमें गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल है वो जाएंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।